Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSC Class 11th Computer Science with Python. In our previous videos, we have discussed the basic introduction of Python. In this video, we are going to explore the Python interactive mode and script mode. Basically, to work in Python, we are having two modes, interactive mode and script mode. देखो, टू ओपन द इंटरेक्टिव मोड लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल. आई एम ओपनिंग माई पाइथन आइडियली. फॉर दिस क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, यू हैव टू ओपन द पाइथन फोल्डर. क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन दिस पाइथन आइडियली. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, योर वन विंडो विल अपीयर. That window is called the Python shell, or you can say Python interactive mode. This window will appear. अब यहाँ पर लिखा हुआ Python 3.8.3. This is the version and Python shell. Python shell को ही हम बोलते हैं बेटा interactive mode. Let's do the comparison now कि Python interactive mode और Python script mode में क्या difference है. This I told you कि how to open the Python shell. अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगी बेटा, तो आपकी जो ideally पर क्लिक होने पर जो next window open होगी, that is called Python interactive mode, or you can say Python shell. And to open the Python script mode, you have to click on the file menu, then click on the new file option. After that, clicking on this new file, one window will appear, that is your Python script mode. This. ठीक है, अब इसमें difference देखो क्या है. If I want to execute multiple instructions या multiple statements simultaneously, अगर मेरे पास more than one statements हैं और वो मुझे execute करानी है, तो उसके लिए हम क्या prefer करते हैं, script mode. और interactive mode का prefer करेंगे, अगर मुझे इंस्टेंट आउटपुट चाहिए, मीन्स एक स्टेटमेंट लिखी उसका आउटपुट मुझे एकदम से मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी उसका आउटपुट मुझे एकदम से मिल जाएगा. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द पाइथन इंटरैक्टिव मोड. वन मोर डिफरेंस इज देयर, व्हेन वी आर वर्किंग विद पाइथन स्क्रिप्ट मोड, देन वी कैन सेव आवर फाइल ऑल्सो. कि जो भी मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, वी कैन सेव दैट ऑल्सो. बट If we are working in Python interactive mode, we can't save our file. और जो Python की आप फाइल सेव करोगे, उसकी जो extension है by default, that is py. .py is the extension of all the Python files. And to run the instructions or programs जो आपने बनाए हैं, उसके लिए we have to press the F5 key. तो let's execute this practically now. I have opened my Python shell. So this is my Python interactive mode. अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a की वैल्यू एक वेरिएबल लिया 10 और b की वैल्यू मैंने लिख दी 50. अब अगर मैं कर रही हूँ a प्लस b, मुझे इंस्टेंटली आउटपुट मिल गया 60. मुझे इसको एग्जीक्यूट सेव नहीं करना है, रन नहीं करना है. आई हैव जस्ट टू प्रेस द एंटर की. उसके बाद अगर मैं लिख दूँ a माइनस b, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 50 विल बी माइनस 40. तो इफ आई एम राइटिंग b डिवाइड बाय a, 50 डिवाइड बाय 10, 5.0. अब ये सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए फिक्स है. ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेती हूँ और उसमें मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट, आई हैव टू राइट द नेम ऑफ अ वेरिएबल और यूजिंग प्रिंट फंक्शन. इसमें देखो क्या डिफरेंस है दोनों में. अगर मैं डायरेक्ट उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ, ओनली नेम, तो इट विल प्रिंट द स्ट्रिंग विद इन सिंगल कोट्स. ये स्पेसिफाई करेगा कि ये मेरी स्ट्रिंग है, इसीलिए वो उसको किस में लिखेगा बेटा, सिंगल कोट्स में. बट अगर मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो जो प्रिंट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट ही मेरा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज. तो यहाँ पर मेरे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं आएंगे. अब मूव ऑन करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट मोड पर. सो टू ओपन द पाइथन स्क्रिप्ट मोड, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइल मेन्यू,
then click on this new file option. Or there is a shortcut key also of that, you have to press Ctrl plus N. अब ये मेरा जो ओपन हुआ है, this is called Python script mode. अब इसमें आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, a equals to 10, b equals to 20, और प्रिंट आपने करा दिया a plus b. ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं इसको रन, अगर आप सेव भी नहीं करोगे तो जब आप इसको रन करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली सेव करने को बोलेगा. सो फॉर दिस क्लिक ऑन दिस ओके बटन. ये आपका पाथ है कि वेयर योर सेव फाइल्स यू कैन लोकेट. तो नाम, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ माय फाइल हियर इज डेमो. अब ये सेव हो गई, अब ये एग्जीक्यूट होगा. टू वेरिएबल्स आई हैव टेकन ना, वन इज 10 एंड वन इज 20. तो इसका आंसर उसने दिखा दिया 30. अब ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है. अब इसमें देखो ये वैल्यूज, अगर मुझे टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना हो तो ये सिंपल हो गया. बट ये वैल्यूज हर बार मेरी क्या हो गई, फिक्स हो गई कि हर बार ये 10 और 20 ऐड कर रहा है. अगर मुझे कोई और वैल्यू लेनी हो तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. तो 10 प्लस 40 इट विल प्रिंट 50. बट अगर मैं अपना कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो व्हाट आई विल प्रेफर कि रन टाइम पर यूजर वैल्यूज एंटर करें. सो फॉर दैट वी आर हैविंग इनपुट फंक्शन. लेट्स डू द प्रोग्राम नाउ टू एड टू नंबर्स एंड वी विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. इनपुट फंक्शन आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो बेटा. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो. यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे स्ट्रिंग के जो हमने यूजर से डिस्प्ले कराना है यूजर को. तो मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको मुझे इन फंक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इनपुट फंक्शन जो है मेरा स्ट्रिंग रिटर्न करता है. तो बाय यूजिंग इन फंक्शन वी कैन कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू. तो हियर आई एम राइटिंग एंटर सेकेंड नंबर. तो दिस टाइम आई एम राइटिंग सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू सी. अब देखो व्हाट विल इट डू. सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर फर्स्ट नंबर. तो वट एवर द नंबर यूजर विल एंटर इट विल स्टोर इन द वेरिएबल ए. तो लेट सपोज यूजर ने यहाँ पर एंटर करा 20. तो ए में यहाँ पर जो आपका ए वेरिएबल है, वट इट विल स्टोर 20. और वेरिएबल्स का ध्यान रखना, दीज आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स, कि आपका जो वेरिएबल ए है वो मेमोरी में जहाँ 20 लोकेशन पर वो होगी वैल्यू, वहां पर पॉइंट करेगा. इसी तरीके से उसके बाद आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. उसमें क्या है, एंटर सेकेंड नंबर. तो सपोज यूजर हैव एंटर 40, तो इन द वेरिएबल इट विल स्टोर दैट वैल्यू इन द वेरिएबल बी. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, C equals to A plus B. That means कि जो भी आपकी A और B में values हैं, वो add होकर के किस में store हो जाएंगी, variable C में. अब print function मुझे addition print भी कराना है. So for that I have to use the print function. And in print function, whatever I will write in the double quotes, that will be considered as my string. तो string ये addition equals to as it is display कर देगा. उसके बाद कोमा, दैट मीन्स वो स्पेस देगा, देन सी, मीन्स सी की वो वैल्यू प्रिंट करेगा. एंड दीज आर माई कमेंट्स, दिस द पाइथन इंटरप्रेटर विल इग्नोर दिस. तो लेट्स एग्जीक्यूट. जब भी आप चेंजेस करोगे तो इसको वो सेव करने को बोलेगा. पहले एंटर फर्स्ट नंबर, तो सपोज आई एम राइटिंग 50, सेकेंड नंबर 150, तो एडिशन इज 200. एंड यू नो वन थिंग बेटा, आप टू नंबर्स को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी. लेट्स डू दैट. प्रिंट आफ्टर एडिशन वी विल डू सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू. अब देखो इसको मैं, आपकी चॉइस है, या तो यहाँ पर लिखो d इक्वल्स टू a माइनस b, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो हेयर a माइनस b. And next I am writing multiplication, then I am writing a into b. Aap, if you wish, so you can store the result in a variable also and then print that variable.
and division equals to a divided by b. So when I will execute this, it will prompt to enter the first number. So let's suppose I am entering 150, then I am entering 5. So addition 155, subtraction 150 minus 5, 145, multiplication 750 and division 30.0. अब इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है ये सेव हुआ है. अब चेक करते हैं कि जो आपकी सेव्ड फाइल है वो कहाँ पर स्टोर है और उसको ओपन कैसे करते हैं. देखो ये आपको ऊपर पाथ दिया हुआ सी ड्राइव यूजर सोनी एप डाटा लोकल प्रोग्राम्स दिस कि दैट मीन्स आपकी फाइल इस लोकेशन पर सेव है. तो वन मेथड इज दैट कि आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएं या फिर क्या करो मैंने इस ओपन पर क्लिक करा इस पाथ पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया. ठीक है तो उसके बाद मैंने अपना एक्सप्लोरर ओपन करा और यहाँ पर इस पाथ को पेस्ट कर दिया. तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको वो फाइल्स जितनी आपने बनाई हैं वो शो होंगी. तो लेट मी क्लोज दिस फाइल नाउ जो मैंने बनाई थी उसको क्लोज कर दिया. डेमो नेम से बनाई थी अब इसको एडिट विथ राइट क्लिक करोगे और एडिट विथ आईडीएली. उसके बाद अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये आपकी कौन सी फाइल ओपन हो रही है डायरेक्ट जो पीवाई फाइल है. तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है बट आपने यहाँ पर क्या क्लिक करा एडिट विद आईडीएली और इसको मैंने ओपन करा. ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करके उस लोकेशन से ओपन भी कर सकते हो. ये आपका बाय डिफॉल्ट पाथ है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ऑलवेज उसी लोकेशन पर फाइल को सेव करना है. यू कैन सेलेक्ट द लोकेशन ऑल्सो. आई एम क्लिकिंग इट हियर सेव एज एंड सपोज आई एम क्लिकिंग द डेस्कटॉप सेलेक्टिंग दिस तो मेरी जो फाइल है वो अब कहाँ पर सेव हो गई बेटा डेस्कटॉप पर. लेट मी शो यू दैट. तो अब मैंने जो फाइल सेव की थी अपनी कहाँ पर की है डेस्कटॉप पर. तो आप उसको वहां पर भी सेव करके अपना पाइथन में ओपन कर सकते हो. फॉर दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट टिल हियर. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट उनके कंसेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए जैसे आपके हुए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the updates of my upcoming video. Till then, keep watching, keep studying.